भगत सिंह को ये आतंकवादी कहते थे कि अंग्रेज क्यों आतंकवादी कहते थे? रात को किसी अंग्रेज सोता था ना, आंख बंद करता था तो भगत सिंह उसके सपने में आता था, खौफ फैला रखा था भगत सिंह ने अंग्रेजों के मन में। अंग्रेज डरते थे भगत सिंह से, इसलिए उसको आतंकवादी कहते थे। आज मोदी जी मेरे को आतंकवादी कहते केजरीवाल आतंकवादी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी कहते केजरीवाल आतंकवादी है। बताओ जी, मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? मैं आतंकवादी तो हूं, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के लिए हूं। ये भ्रष्टाचारी रात को इनको नींद नहीं आती, मेरी याद आ जाए तो आंख बंद करते हैं, केजरीवाल सामने आता है फिर एकदम से डर के उठ जाते हैं, इनको नींद नहीं आती भ्रष्टाचारियों को। और वो शोले का डायलॉग सुना है? उसमें कहती है ना, गब्बर सिंह कहता है 100-100 मील दूर जब कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा भ्रष्टाचार मत कर, केजरीवाल आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं और मैं देख रहा हूं जहां जाते हैं वही बीजेपी, दूसरी पार्टियां जितनी है, ये अपने काम नहीं गिना रहे कि हमने 5 साल में क्या काम करे, ये केवल गाली गलौज। इसने उसको ये कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, इसने उसको आतंकवादी कह दिया, 80-20 कह दिया। अरे तुमने 5 साल काम करा, 5 साल सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे 5 साल, कुछ काम तो गिना दो। तुमने काम क्या करे 5 साल? एक भी काम कराओ तो ये काम गिनाए, कहीं जाके ये काम नहीं बताते। मैं भी पंजाब से आ रहा हूं, आप लोगों को खुशखबरी दे दूं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक बार जोरदार ताली बजा दो इसी बात के ऊपर। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी इतनी खराब है, इसको भी ठीक करेंगे। पिछली बार बीजेपी ने एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं जी, 5 साल में शमशान घाट सारे बन लिए हो और स्कूल अस्पताल बनाने हो तो इस बार मेरे को वोट दे देना, मेरे को स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं, शमशान घाट इनको बनाने आते हैं, इनसे शमशान घाट बनवा लिए होंगे अब तो, जितने बनने के बन लिए होंगे, अब स्कूल अस्पताल चाहिए नहीं चाहिए? वो केजरीवाल ही कर सकता, इनके बस की ना है, 70 साल में इन्होंने नहीं करे, अब इनके बस की नहीं है। ये केवल गाली गलौज करते हैं। और आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में नदियों के अंदर लाश बह रही थी, देखी थी तस्वीरें आई थी, नदियों के अंदर लाशें बह रही थी, इतने लोग मर गए। पूरी दुनिया में योगी जी ने नाक कटा दी हमारे देश की, पूरी दुनिया के अंदर वो तस्वीरें गई थी और योगी जी ने नाक कटा दी पूरे देश की। इस बार जब वोट डालने जाओ तो याद रखना, जैसे दिल्ली के अंदर अच्छी सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। अब कई लोग मेरे को कहते हैं केजरीवाल जी आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, सरकार बनेगी क्या उत्तर प्रदेश में? मैं आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, जरूर बनेगी, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी, हम अगर उस सरकार में हुए, जितनी गारंटियां मैं करके जा रहा हूं सारी गारंटियां उस सरकार से पूरी करा दूंगा।